बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको ऑपरेशन सर्च की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी बाउंडेड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड के ऊपर। मैं लास्ट लेक्चर्स में बाउंडेड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड की डेफिनेशन, बाउंडेड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड और रेगुलर सिंपलक्स मेथड में क्या डिफरेंस है, बाउंड वेरिएबल में सिंपलक्स मेथड में इस्तेमाल होने वाले जो बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड अपर बाउंड, उनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर इसे पिछले लेक्चर में मैंने बाउंड वेरिएबल सिंपलक्स मेथड एल्गोरिदम जो है उसके ऊपर बात की। वहाँ पर मैंने आपको इन तीन चीज़ों के मतलब बताया, थीटा वन, थीटा टू, यू आर, और फिर मैंने बताया कि ये थीटा है जो कि इनका मिनिमम है। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी कैलकुलेट करना होगा तो ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी, और यही तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स को अक्सर समझ नहीं आती। तो आज का लेक्चर इस हवाले से एक छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी ही काफ़ी लेंथी होगा और उसमें फिर ये चीज़ें आपको अगर ना आ रही हों तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक ये समझे कि एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपको मैंने ये बताना है कि आप ये तीनों चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैंने देखें यहाँ पर कुछ टेबल बना के दिए हैं आपको, ठीक है। ये समझ लें कि डमी टेबल हैं जिसमें जस्ट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लिखा है जी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड थीटा वन, थीटा टू, यू आर। आपने ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी हैं, जबकि थीटा जो है वो इन तीनों का मिनिमम होगा। एंड डिस्कस विच वेरिएबल विल एंटर द बेसिस, और ये भी आप बताएं कैलकुलेट करने के बाद कि कौन सा वेरिएबल बेसिस में एंटर होगा, ठीक है, और कौन कौन सा लिविंग के तौर पर जाएगा। तो ये मेरा टेबल नंबर वन है। इस टेबल नंबर वन में आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बेसिस में दो वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं। ये सिंपलक्स टेबल असल में बना के दिया है। ये मेरे पास बी दे दिया है। यहाँ पर टोटल वेरिएबल एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री तीन वेरिएबल हैं, एस वन, एस टू दो सिलेक्ट वेरिएबल हैं। बाकी ये तमाम सिचुएशन आपके सामने है। आपने यहाँ पर मैंने ये दो रोज एंट्रीज छोड़ दी हैं और नीचे यू जे लिखा है। यू जे का मतलब है ये अपर बाउंड्स हैं। अपर बाउंड एक्स वन का अपर बाउंड फोर है। ये मैंने अज्यूम्ड किया है। जब क्वेश्चन आएगा प्रॉपरली फिर मैं आपको बता दूंगा। फिल वक्त आप इसको देख लें, ये टेबल बना के दिया हुआ है। एक्स टू का अपर बाउंड थ्री है, एक्स थ्री का अपर बाउंड टू है, एस वन दोनों, एस टू दोनों स्लैक वेरिएबल हैं। याद रखें स्लैक वेरिएबल का अपर बाउंड अगर ना दिया हो तो दे विल बी कंसिडर्ड इन्फिनिटी, उनको हम इन्फिनिटी लेते हैं। अगर दे दे पेपर में क्वेश्चन में तो फिर वो अलहदा बात है, फिर वही लेंगे जो दिया हुआ है। ले जी, अब आपने इस टेबल की मदद से क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं। आपने निकालना है बेटा थीटा वन निकालना है, थीटा टू निकालना है, यू आर निकालना है। ये तीन चीज़ें पहले निकालनी है। चलें जी, सबसे पहले टेबल बनाने लगे हैं, टेबल कंप्लीट करने लगे हैं। टेबल कंप्लीट करने के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया अपना जी जे। जी जे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं। ये जो बेसिस पे ये वाला जो दो नंबर हैं 0 0, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 0 into 1 0, 0 into 6 0, ये 0 आ गया। 0 into 3 0, 0 into 2 0, ये 0 आ गया। 0 into 2 0, 0 into 1 0, 0 आ गया। ये तमाम के तमाम इस तरह मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने निकालना है सी जे माइनस जी जे। ये कैसे निकालते हैं, सबसे टॉप रो में सी जे है, ये जी जे रो बैठी है, इसका नंबर को माइनस करेंगे। 1 minus 0 1 आ गया, 2 minus 0 2 आ गया, 1 minus 0 1 आ गया, 0 minus 0 0 आ गया, 0 minus 0 0 आ गया। जो नीचे वाली रो है यू जे, ये एज इट इज़ वैसी आ गई जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, इसको कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, अब आपने देखना है कि मेरा एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है। अभी मैंने थीटा वन थीटा टू वगैरह की तरफ नहीं आया। एंटरिंग वेरिएबल मेरा कौन सा होगा, उसके लिए आप जानते हैं इन तीनों सी जे माइनस जी जे में से जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो आपने देखना है। तो मोस्ट पॉजिटिव ये समझ लें कि मैक्सिमाइजेशन टाइप का टेबल है। तो मोस्ट पॉजिटिव ये टू है, तो यहाँ पर ये एक्स टू के ऑपोजिट है, तो इसका मतलब मेरा एक्स टू एंटरिंग वेरिएबल होगा, सही है। अब मैं थीटा वन थीटा टू की तरफ आ रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ती है रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं आप, बी कॉलम को अपने पिवट कॉलम पर डिवाइड करते हैं। पिवट कॉलम कैसे तलाश किया, सी जे माइनस सी जे रो में सबसे मैक्सिमम नंबर देखा वो टू है, उसके ऑपोजिट जो वेरिएबल है एक्स टू, वो एक्स टू मेरा एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब इस ये पिवट कॉलम है, एक्स टू मेरा पिवट कॉलम है। 18 को 3 पर डिवाइड किया 6 आ गया, 20 को 2 पर डिवाइड किया 10 आ गया। दो ही वेरिएबल है यहाँ पर। आपने देखना अब इन दोनों में से जो मिनिमम है, मिनिमम कौन है, 6 है। इसका मतलब मेरा जो ये जो फर्स्ट रो है, ठीक है, इसमें जो एस वन है
अगर ये रेगुलर सिंपलेक्स मेथड होता तो S1 उड़ जाता, इसकी जगह में X2 आ जाता, लेकिन ये ऐसा अभी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अभी फौरन आपने ये डिसीजन नहीं ले लेना कि X2 जो है वो मेरा एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा और S1 लिविंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह लिविंग वेरिएबल, X2 तो मेरा एंटरिंग है लेकिन लिविंग जो है ना इसकी जगह वो कौन सा लिविंग किसको करना है, S1 को S2, इससे फौरन अभी नहीं करना। अभी फिलहाल मैंने आपको वैसे भी बता रहा हूँ कि आपने थीटा 1 थीटा 2 कैलकुलेट करना है। आप सुने थीटा 1 कौन है, ये जो रेशो आपने मालूम की है इस रेशो में जो मिनिमम रेशो है वो कौन है, 6 है, ये मेरा थीटा 1 है। इसका मतलब मेरा यहाँ पर थीटा 1 जो है वो 6 है, थीटा 1 इज इक्वल टू 6, ठीक होगी बात। ये आगे देखिएगा, हेयर पिवट कॉलम इज X2, सो एंटरिंग वेरिएबल इज X2, यही जो बात मैं आपको पीछे बता के आया हूँ। हेयर थीटा 1 इज इक्वल टू 6, दैट इज द लीस्ट पॉजिटिव रेशियो अपोजिट टू S1। नेक्स्ट अब मुझे निकालना है थीटा 2। थीटा 2 कैसे निकालते हैं, हेयर ऑल एंट्रीज ऑफ X2 आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, सो थीटा 2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ले बेटा यहाँ पर आपने याद रखना है कि अगर आप पिवट कॉलम में जाएँ, ये मेरा पिवट कॉलम है X2, अगर इस पिवट कॉलम में ये दो एंट्रीज हैं, ये नीचे वाले नहीं, ZJ और CJ रो को नहीं देखना, यहाँ तक देखना आपने, यहाँ तक बस, ऊपर वाली दो रोज को जिसमें दो ये बेसिस के नीचे वेरिएबल है। अगर तो ये आपके पास पिवट कॉलम में ये दोनों नंबर आप देखें ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव है, अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हैं, तो आप याद रखिएगा कि ऐसी सूरत में फिर हमेशा थीटा 2 सिंपल उसका आंसर होता है इन्फिनिटी। थीटा 1 भी निकला है, थीटा 2 भी निकला है। अगली चीज़ मुझे चाहिए UR, आपको कहा गया था UR निकालें। अब UR कौन है, यहाँ पर U2 है, U2 को क्यों होगा, मेरा पिवट कॉलम है X2, तो X2 के ऑपोजिट जो निकालूंगा U उसका नाम होगा U2, तो U2 किसे कहते हैं, अपर बाउंड ऑफ X2। X2 का अपर बाउंड कौन है, नहीं जी, अब यहाँ पर आपको नीचे ये जो रो लिख के दी थी पेपर में वो आया, X2 के नीचे ये UJ में जाएं, ये नंबर है 3, तो ये मेरा U2 है, ठीक है। तो तीनों नंबर आपने निकाल लिए, अब आप देखो इन तीनों का मिनिमम निकालना है आपने, थीटा 1 थीटा 2 U2, तो मुझे बताएं थीटा 1 की वैल्यू कितनी है, 6 है, थीटा 2 की वैल्यू है इन्फिनिटी और U2 है 3, तो 6 इन्फिनिटी और 3 में, इन तीनों में 6 इन्फिनिटी और 3, इन तीनों में मिनिमम कौन है, इन तीनों में मिनिमम नंबर है 3, 3 किसके बराबर है, U2 के बराबर है, इसका मतलब मेरा जो थीटा है वो U2 के बराबर है। अब आपको पता चल गया कि आपने थीटा 1 कैसे निकाला, थीटा 2 कैसे निकाला है, U2 कैसे निकाला है, इन तीनों का मिनिमम कैसे निकाला है। अब ऐसी सूरत में आगे हमने फैसला क्या करना होता है, अगर आपका थीटा अपर बाउंड U2 के बराबर है तो हम लिखते हैं सो वी सब्स्टिट्यूट X2 एट इट्स अपर बाउंड डिफरेंस, हम X2 को बदल देते हैं किससे बदलते हैं, 3 - X2 डैश। फार्मूला क्या है, X2 इज इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ X2 माइनस X2 का डैश, तो अपर बाउंड ऑफ X2 कौन है, 3 है, 3 - X2 डैश, इससे आपने बदल देना, ठीक है, बट रिमेन नॉन बेसिक, लेकिन ये अभी नॉन बेसिक रहेगा, बेसिक वेरिएबल में ऐड नहीं होगा। ये चीज़ें मजीद जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बताऊंगा। अभी आपको इस वीडियो में आपने समझना है कि थीटा 1 थीटा 2 U कैसे कैलकुलेट करना है और उसे फैसला क्या करना है। फैसला हमने ये किया थीटा अगर U2 के बराबर आ जाएगा अपर बाउंड के बराबर, तो फिर आपने हमेशा जो पिवट कॉलम होगा X2 उसको इससे बदल देंगे, अपर बाउंड माइनस उसका डैश, ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा कॉलम देखें, दूसरा केस देखें, इस केस में क्या है, मैंने लिखा है पिवट कॉलम हैज ऑल एंट्रीज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वो केस है जिसमें आपका पिवट कॉलम तमाम की तमाम एंट्रीज नेगेटिव रख रहा है। लें जी, ये मैंने निकाला है, ये मेरे पास X2 की दो एंट्रीज हैं -3 - -2, और फर्ज करें ये मैंने ZJ निकाल लिया है, CJ - CJ, ये सारा निकाल के आपके सामने रख दिया, मोस्ट नेगेटिव नंबर 2 है, X2 मेरा पिवट कॉलम हो गया, लेकिन इस मरतबा तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हैं, नेगेटिव हैं, सही होगी बात ये। अच्छा जी, अब तमाम की तमाम एंट्रीज नेगेटिव हैं, तो इस सूरत में आपका थीटा 1 थीटा 2 और UR कैसे निकाला जाएगा वो ज़रा देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर बेटा आपके पास पिवट कॉलम में तमाम एंट्री जो हैं वो नेगेटिव हैं, ठीक है, नेगेटिव हों या इक्वल टू 0 भी हो जाएं, लेस देन इक्वल टू 0, ऐसी सूरत में याद रखिएगा थीटा 1 इन्फिनिटी होगा। जब देखें ऊपर आपने तमाम एंट्रीज, पहले केस में मैंने आपको पहले टेबल में बताया जब तमाम एंट्रीज पॉजिटिव थी नॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, उस सूरत में थीटा 2 इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर पिवट कॉलम में तमाम एंट्रीज लेस देन इक्वल टू 0 तो उस सूरत में थीटा 1 इन्फिनिटी होगा। थीटा 2 कैसे निकालेंगे, थीटा 2 के लिए फार्मूला लगाया जाएगा। अब ये फार्मूला अलहदा से यहाँ से निकाल लें या एक अलहदा टेबल आप कॉलम में यहाँ पर बना सकते हैं, कॉलम यहाँ पर जैसे मैंने बनाया वो क्या होगा ज़रा सुनिएगा। लो जी, मुझे निकालना है थीटा 2, सबसे पहले आपने निकालना है UI - PI। अब ये क्या चीज़ है सारी, आपके पास पहला वेरिएबल है स्लैक वेरिएबल S1, इसका लेना है अपर बाउंड, UI मीन अपर बाउंड ऑफ S1, S1 का अपर बाउंड है इन्फिनिटी,
कहाँ पर है, ये नीचे आपको गिवन है, ठीक है। एस वन का भी परमानेंट इन्फिनिटी, एस टू का भी परमानेंट इन्फिनिटी, इस इन्फिनिटी में से माइनस कर देना है एस वन के सामने जो भी बी की वैल्यू है 18, उसको आपने डिवाइड कर देना है पीवट कॉलम में जो नंबर है -3, और इस -3 को मल्टीप्लाई करना है विद माइनस साइन के साथ, यानी कि ये ऐसे बनेगा अब इन्फिनिटी -18 ओवर माइनस फार्मूले का -3, ठीक होगी बात ये, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह दोबारा चलेंगे S2 का अपर बाउंड लेंगे इन्फिनिटी, उसके सामने B की वैल्यू -20, डिवाइड कर देंगे इसके सामने यहाँ पर जो नंबर होगा -2 और माइनस के फार्मूले का आएगा, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है, दोनों सूरतों में इन्फिनिटी। तो थीटा 2 जो है अब इन दोनों का मिनिमम होगा, तो इन दोनों का मिनिमम क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हालांकि इन प्रैक्टिस आप जब क्वेश्चन करेंगे रूटीन में ऐसा नहीं होगा कि थीटा 1 भी इन्फिनिटी आ जाए, थीटा 2 भी इन्फिनिटी आ जाए, अगर ये दोनों इन्फिनिटी है तो इट मीन्स आपका सोल्यूशन अनबाउंडेड हो गया है। तो ये जो कि मैंने डमी टेबल लिया अपनी तरफ से सपोज किया जस्ट आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, इन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होगा। तो अगर मकसद मेरा ये है कि अगर ये आपके पास पीवट कॉलम की तमाम एंट्रीज नेगेटिव हैं तो थीटा 2 आपने इस तरह निकालना है, इस तरह निकालने के बाद जो सबसे छोटा होगा इन दोनों में से, जिस तरह थीटा 1 निकालते हैं तो वो जो छोटा होगा वो आ जाएगा आपके पास थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास जनाब मोहतरम, मैंने लगा ये निकाल के भी आपको दिखा दिया, थीटा 2 निकालने के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया, मिनिमम ऑफ अपर बाउंड ऑफ S1 -B डिवाइड बाय माइनस टाइम पीवट एलिमेंट एलिमेंट ऑफ पीवट कॉलम, जो भी जो वहाँ पर 3 था, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऐसे -3 बाहर आएगा, यहाँ पर ऐसे माइनस आएगा बाहर। इसी तरह फिर अपर अमाउंट ऑफ S2, जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे ना उन सब के ऊपर आपने अलग अलग फार्मूला लगाना है या वो कॉलम बना दें आप वहाँ पर। तो दोनों ही इन्फिनिटी आ गए, दोनों का थीटा 2 की तरह आ गया इन्फिनिटी। अब आगे निकालना है यू आर मीन यहाँ पर U2, क्योंकि मेरा पीवट कॉलम कौन है X2 है, तो X2 का पीवट X2 के ऑपोजिट उसका अपर अमाउंट कौन है U2, वो 3 है। अब मैं निकालूंगा थीटा होता है थीटा 1 थीटा 2 और U2 का मिनिमम, ठीक है। थीटा 1 की वैल्यू भी 3 इन्फिनिटी, थीटा 2 की वैल्यू भी इन्फिनिटी, U2 मेरे पास 3 है, तो तीनों का मिनिमम 3 आ गया। आपका थीटा जो है वो दोबारा U2 के बराबर आ गया। इस सूरत में जब फिर थीटा अगर U के बराबर आए, तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया कि आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं और X2 जो है वो एंटर द बेसिस एट द अपर बाउंड डिफरेंस एट अ नॉन बेसिक लेवल, यानी कि आप रिप्लेस कर देते हैं X2 इज इक्वल टू अपर बाउंड ऑफ X2 डैट इज 3 माइनस X2 डैश, इससे रिप्लेस कर देंगे, सही है। दो केसेस हो गए आपके पास, जब आपके पास पिवट कॉलम में तमाम एंट्रीज नेगेटिव हैं और एक केस जब तमाम एंट्रीज पॉजिटिव हैं। अब एक आखिरी केस डिस्कस करते हैं कि अगर कुछ एंट्रीज पॉजिटिव हैं कुछ एंट्रीज नेगेटिव हों फिर क्या करेंगे। लें जी ये थर्ड केस है, व्हेन सम एलिमेंट्स ऑफ पिवट कॉलम आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव, ऐसी सूरत में थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालेंगे। ये मेरा पिवट कॉलम है X2, फर्ज कर लें, अब मैंने यहाँ पर वो सीजे नहीं निकाला, जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये मेरा फर्ज कर लें X2 जो है वो मेरा पीवट कॉलम है, सही है, और इनके नीचे इनके अपर बाउंड लिख के दे दिए मैंने, X1 का अपर बाउंड 2 है, X2 का अपर बाउंड 13 है, X3 का अपर बाउंड 5 है, S1 इसका अपर बाउंड इन्फिनिटी है, S2 का अपर बाउंड इन्फिनिटी है, सही है। जीजे माइनस सीजे कुछ नहीं निकाला मैंने जस्ट खुद इसे लेट कर लिया है कि X2 मेरा पीवट कॉलम है। मकसद सिर्फ आपको समझाने का है कि अगर X2 में कुछ एंट्रीज नेगेटिव आ जाएं कुछ पॉजिटिव, X2 नहीं मतलब जो पीवट कॉलम है, लाजमी नहीं कि X2 वो X1 भी हो सकता है, X3 भी हो सकता है, जो उन सभी पीवट कॉलम निकलेगा, मैं इस वक्त पीवट कॉलम लेकर चल रहा हूँ अपना X2 को, इसलिए मैंने X3 के नीचे S1 के नीचे S2 के नीचे कुछ भी नहीं फिल किया। अच्छा, मुझे सिर्फ ज़रूरत होगी पीवट कॉलम की और आपको समझाने के लिए बी की, ठीक है। बी मेरे पास गिवन है, सबसे पहले मैंने निकालना है थीटा 1। अब सुनिएगा गौर से, जब दोनों कुछ एंट्रीज नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, थीटा 1 कैसे निकालेंगे। देखो X2 की जो सी एंट्री नेगेटिव है उनके सामने थीटा 1 नहीं निकलेगा, ये लिस्ट वैसे छोड़ देंगे ब्लैंक, ये छोड़ दिया, यहाँ पर भी ये छोड़ दिया, थीटा 1 निकलेगा पॉजिटिव एंट्रीज के लिए 10, ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो रेगुलर सिंप्लेक्स मेथड में है। 10 को 4 पर डिवाइड किया 2.5, 8 को 1 पर डिवाइड किया आंसर 8 आ गया। इन दोनों में से जो मिनिमम है वो 2.5 है, इसका मतलब थीटा 1 जो है वो 2.5 है। अब मैंने निकालना है थीटा 2, थीटा 2 नेगेटिव एंट्रीज के लिए निकलता है, नेगेटिव एंट्री -2 है, तो मैं क्या करूंगा आप सुनिएगा गौर से, S1 लिखूंगा, S1 के सामने उसका अपर बाउंड, S1 का अपर बाउंड इन्फिनिटी, फिर उसके सामने उसमें से माइनस कर दूंगा बी को 18 माइनस फार्मूले का, और उसके सामने जो X2 की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ये लाजमी नहीं कि हर मरतबा इन्फिनिटी ही इसका थीटा 2 इन्फिनिटी निकलता रहे, असल में प्रॉब्लम ये है, या चले नीचे यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। अभी इन्फिनिटी -18 इन्फिनिटी आ गया, ये तो इन्फिनिटी आ गया, नीचे एक एंट्री है यहाँ पर -4 है X2 के सामने। अब गौर से देखिएगा ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी, X2 के सामने है तो X2 का अपर बाउंड मुझे चाहिए, X2 का अपर बाउंड है 13,
ये लिखूंगा 13 माइनस एक्स टू के सामने बी की वैल्यू कितनी 9 माइनस फार्मूले का और इन टू ये वाला जो एक्स टू के सामने पिवट कॉलम में नंबर है माइनस 4। ठीक है, अब आपको समझ आ गई है। मैंने इन्फिनिटी वाला भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, एस वन था तो एस वन का अपर अमाउंट इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी लिखा, एक्स टू है तो एक्स टू का अपर अमाउंट 13 है 13 लिखा, माइनस कर दिया उसमें से बी की वैल्यू को, माइनस फार्मूले का आ गया और ये वाला नंबर आ गया 13 माइनस 9 4, 4 ओवर 4 1 आ गया। अब देखो इन दोनों में से इन्फिनिटी और 1 में से मिनिमम कौन है, 1 है तो इसका मतलब मेरा थीटा 2 1 होगा। तो अब आपको समझ आ गया कि थीटा 2 निकालने के लिए, थीटा 2 कब निकालते हैं फार्मूले से, जब आपके पास एंट्रीज नेगेटिव होती हैं। थीटा 1 कब निकालते हैं, जब एंट्रीज पॉजिटिव हैं, उनका नेगेटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं, थीटा 2 का नेगेटिव के साथ ताल्लुक है। ठीक है, और अगर तमाम की तमाम एंट्रीज पिवट कॉलम में पॉजिटिव हैं तो थीटा 2 इन्फिनिटी है, अगर तमाम एंट्रीज नेगेटिव हैं तो उस सूरत में थीटा 1 इन्फिनिटी है। सही है, लो जी मैंने नीचे लिख दिया, सपोज आवर पिवट कॉलम इज एक्स टू, इन दिस केस व्हेन पिवट कॉलम हैज अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव एंट्रीज, थीटा 1 हमारा 2.5 निकला है और थीटा 2 मैंने ये फार्मूला लगाकर नीचे आपको शो भी कर दिया है, ये 1 आ गया है। और U2 मतलब पिवट कॉलम के ऑपोजिट जो नंबर है, हमारा पिवट कॉलम X2 है उसके ऑपोजिट अपर बाउंड 13 है। तो अब आपने इन तीनों में से मिनिमम तलाश करना है, थीटा 1 थीटा 2 U2 में से। तो यहाँ पर थीटा 1 2.5 है, थीटा 2 1 है, U2 जो है वो 13 है, तीनों का मिनिमम 1 आ गया, थीटा थीटा 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसी सूरत में जो हम फैसला लेते हैं वो ये लेते हैं, जब थीटा थीटा 2 के बराबर होता है जो मैंने एल्गोरिथम में बताया था, सो रिप्लेस X2 इज इक्वल टू, ऐसी सूरत में हम सब्स्टिट्यूशन भी कर देते हैं और अपना बेसिस भी चेंज कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, X2 को बदल देंगे, देखो जी पिवट कॉलम अगर X1 होता तो मैं यहाँ पर X1 लिखता, अगर X3 होता तो X3 लिखता, अब जो कि X2 लेके चला हूँ तो X2 को लिखूंगा, X2 का अपर बाउंड यानी 13 माइनस उसका डैश, एक तो ये सब्स्टिट्यूशन करनी है एज वेल एज अपनी बेसिस भी चेंज कर देनी है। ये आप एल्गोरिथम को सुन लेंगे वो वाला लेक्चर, तो इंशाल्लाह आपको ये जो कंक्लूजन डरा गई है मैंने वो भी समझ आ जाएगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ज़्यादा डिटेल से न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने तीनों किसी तरह के केसेस आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जो पॉसिबल होते हैं क्वेश्चन में। पहला केस जब आपके पास तमाम पिवट कॉलम में नंबर पॉजिटिव हैं या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह लें, दूसरा केस जब तमाम एंट्रीज लेस देन इक्वल टू 0 हैं, और तीसरा केस जब कुछ पॉजिटिव हैं कुछ नेगेटिव हैं या कुछ 0 हो जाए बीच में। ठीक है, इनके अलावा और कोई चौथा केस नहीं होता। तो अब आपको अगर थीटा 1 थीटा 2 निकालना आ गया तो इंशाल्लाह अगली एग्जाम जो हमारी वीडियो होगी वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।